मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड की है। महादलित नाबालिग लड़की के साथ 5 दसी दरिंदों ने मिलकर गैंगरेप किया। आप लोग को बता दें, घटना मधेपुर थाना क्षेत्र की है। इस शर्मनाक घटना को 5 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया है। उन्होंने से एक दुष्कर्म को पीड़ित के परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना 29 अगस्त की है। पीड़ित लड़की के बयान पर मधेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि नाबालिग अपने भाभी और गांव की कुछ लड़कियों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मेला में घूमने गई थी। उसकी भाभी और अन्य लड़कियों मेला में चाउमीन खाने लगी और नाबालिग लड़की खुद जलेबी खरीदने के लिए आगे बढ़ गई। इसी दौरान मेले में कुछ लड़कों ने दुपट्टे से मुंह बांधकर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और पास के एक बगीचे में ले गए। सभी लड़कों ने उसे बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर सभी वहां से फरार हो गए। झंझारपुर डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अभय यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपी की खोजबीन की जा रही है। पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कल की घटना है, कल रात्रि की। बुझी पुनर्वास में मेला लगता है जिसमें लड़की घूमने गई थी अपने साथियों के साथ। उसमें कुछ लड़के उसका पीछा वहां से कर रहे थे। उसके बाद एक सुनसान जगह पर कुछ दूरी जाने पर पीछा करने के बाद वो 3-4 लड़के मिलकर उसको पकड़ लिया और पकड़कर एक बगीचा या जंगली इलाके में कहीं ले गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कल की सूचना के बाद FSL की टीम को बुलवाया गया था थाना के द्वारा और अभित की भी पहचान हुई थी और अभित भी उस लड़की को घर पर छोड़ने गया था। उसी क्रम में भी जो अभित पकड़ा गया, जिसको पुलिस के सूचना मिली थी, पुलिस तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अभित को भी पकड़ लिया और पीड़िता को लाकर उसका बयान करवाया गया। बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है 5 लोगों के विरुद्ध। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और मेडिकल जांच करने और अभियुक्तों को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।